इसके अब मैं एक अंडा लिया मैंने, अब इसको एक अंडा और एक कप दूध से आप इतने अच्छे फ्रेंच टोस्ट बना सकते हैं कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे ये डिज़ाइन देखकर। कुछ बच्चे नहीं खाते तो ये मैंने इसके लिए आइसिंग शुगर लिया, आप दूसरी शुगर भी ले सकते हैं। मैं इसमें 3 टेबल स्पून जो डाल रही हूँ, अंदाजे से डाला लेकिन मुझे पता है मैंने 3 टेबल स्पून डाला है। अब इसको आप मिक्स कर लें अच्छी तरह। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है क्योंकि मेरी आइसिंग शुगर थी ये जल्दी मिक्स हो जाएगी। अगर आपने सीधी आपने जो शुगर डालनी वो भी डाल सकते हैं, उसका भी कोई मसला नहीं है, वो भी मिक्स हो जाती है। मैंने ज़रा जल्दी में बनाने हैं तो मैं इसलिए बना रही हूँ मैं ऐसे ही। ये देखें इसमें जो है एग भी मिक्स हो गया अच्छी तरह। अब इसमें मैं दूध डालूँगी और दूध मैंने डालना है फुल क्रीम मिल्क। फुल क्रीम मिल्क का आपको बाज़ार से मिल जाएगा नूरपुर का दूध, और ये फुल क्रीम मिल्क है। ये देखें इसके तो बहुत ही शानदार बनते हैं, बहुत मज़े के। पहले मैंने हाफ कप डाला है, इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं हाफ कप और डालूंगी। अब मुझे कुछ अंदाज़ा हो गया कि कितना कितना डालना होता है, तो मैं इसलिए नाप के नहीं है आपको बता रही, तो मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ क्योंकि अंदाज़े से मुझे काफ़ी अंदाज़ा हो गया कि 1 कप कितना होता है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो चलें जी, ये हमारा बैटर रेडी है, आए हम बनाते हैं। अब ये देखिए ये मैंने रख लिया है इसका पैन, और इसके ऊपर मैंने ऑयल डाला है। ये मैं फैला दूंगी इसको अच्छी तरह, ऑयल ज़्यादा नहीं डालना इसके ऊपर, ना स्लो रखनी है इसकी फ्लेम ना ज़्यादा हो। इस तरह आप सारे इसको रखते जाएं, बहुत ही मज़े के ये हार्ड बनने हैं। अब आपने ये साथ साथ ये जो ये देखें इसके साथ साथ जो मिल्क आता है आपने इसके साथ साथ लगाते जाना है कि ये जो क्रीम है इसके साथ साथ लगे, ये ऑयल में मिक्स ना हो। ये देखें ये क्रीम मैं इसके ऊपर ही लगाती जा रही हूँ। ये जो क्रीम है जो फुल क्रीम मिल्क है, ये देखिए यहाँ से पता चलता है ये फुल क्रीम मिल्क है, कैसे क्रीम इसकी निकल रही है। तो इसको ऊपर ही लगाते जाएं, बहुत ही मज़े के ये होंगे फिर बनेंगे। ये देखिए
ये देखें, ये बड़े मज़े तरीके से बन रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट। लीजिए जी, मज़ेदार सॉफ्ट फ्रेंच फ्राइज, बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार और इतना सॉफ्ट हैं कि मज़े किए हैं, क्रीमी, फुल क्रीम मिल के, बड़े बहुत मज़े के क्रीमी। ये देखिए किस कदर मज़े के लग रहे हैं, और बच्चे तो देख के एक मिनट में प्लेट खाली कर देंगे। तो रमज़ान का जो आखिरी अशरा है, ये पहला अशरा ख़त्म होने वाला है, और बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। रमज़ान का पहला अशरा जो ख़त्म होने वाला है, तो उदासी भी होती है थोड़ी सी कि एक अशरा ख़त्म हो गया है, तो दूसरा अशरा शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला सब को सक्सेसफुल लाइफ दे, तो मुझे भी दुआओं में याद करें रखें। तो इंशाल्लाह कल नई रेसिपी लेके सामने आऊँगी। तो ऐसी चीज़ें रमज़ान में आप बनाएँ, ये हेल्दी हैं, बहुत हेल्दी, और बच्चों के लिए तो बहुत हेल्दी हैं। इसमें एग और फुल क्रीम मिल्क के साथ तो ये बहुत ही मज़े की है। ये देखिए बहुत मज़े का हार्ड, ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ये देखिए कितना सॉफ्ट, बहुत ही मज़े का फुल क्रीम मिल्क के साथ हेल्दी, माशाल्लाह। बच्चे खाएंगे तो डाइट भी बहुत अच्छी है उनको दिया करें। तो कल के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर।